आपका इंग्लिश मेडिंग की सर के क्लास में बड़ा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको सरकार के माध्यम से कोरोना के हटाने के लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूं। बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है सर। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, डिसलाइक भी कर देना ना पसंद है। पहला दिया है और स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, एक ऐसा राज्य जहां पे सरकार ना हो और वहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो क्या कहा जाएगी? इसको बोलते अराजकता, अव्यवस्था, यानी मेरे प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं अनार्ची। आपने सुना होगा एक अनार सौ बीमार। अब एक अनार सौ बीमार होंगे तो बताओ अराजकता फैलेगी नहीं फैलेगी? ये दिमाग में रखता है। और यहां पे बात हो रहा रूल बाय वुमेन, यार औरतों द्वारा चलाया हुआ शासन, मतलब एक राज्य को औरत चला रही है, बहुत सारे औरतें मिलकर चला रही है, किसी मेल का कोई रूल नहीं है। आइए देखते उसको कैसे याद रखेंगे। लिखा यहाँ पे गिना एक्यूरेसी, तो इसको कैसे याद रखोगे? यार ज्ञान बोल दो यार, औरतों पर बहुत ही ज्ञान होता है, कभी लड़ाई होता है ना आदमी से, क्या बोलते बड़ा ज्ञानी मत बनो, चुपचाप खाना बना लो। तो क्यों नहीं बनेगी भाई, पूरा यूपीएससी टॉप लड़कियां कर रही, तो ज्ञानी याद रखना मेरे, तो ज्ञानी दिमाग रखना, कभी नहीं भूलेंगे ज्ञानी औरतें, ज्ञानी। तीसरा कह रहा रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस, मतलब जिसके पास अनुभव ना हो यार और वो शासन चलाए तो उसको क्या बोलेंगे? न्यू क्रेसी, न्यू का मतलब नहीं लग रहा नया नया, बोलो बेटा है ना, जिसके पास अनुभवहीन, अनुभवहीन शासन, जिससे कोई अनुभव ना हो उसको क्या बोलेंगे? इनएक्सपीरियंस। मेरे प्यारे बच्चों गवर्नमेंट बाय किंग, यार राजा द्वारा चलाए हुआ शासन को क्या बोलते बताओ? मोनोक्रेसी, कैसे याद रखोगे? मोनार्ची कैसे याद रखोगे? ये बताओ मोना, अब तुम्हें कभी ना होगा कोरोना क्योंकि तुम्हारे साथ खड़ा होगा किंग ना। यस याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल दिमाग रखना है। रूल बाय वेल्दी पीपल, अमीर लोगों द्वारा चलाया हुआ शासन, अमीर लोग क्या करते? लूटो रे लूटो, पूरा लूटो, प्लूटोक्रेसी, पूरा जो लूटेगा अमीर बन जाएगा, तो अमीर द्वारा चलाया हुआ शासन प्लूटोक्रेसी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको बोलते हैं अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, एक ऐसा शासन जिसके पास पूरा ताकत हो, पूरा जोश हो, उसको बोलते ऑटोक्रेसी। भाई साहब आप कहीं पे भी चले जाइए, ऑटो वाले के पास ना बड़ा पावर है साहब, आजकल किसी को बैठाने का, क्योंकि भौकाल ना कोई है ही नहीं, साधन ही नहीं, कहां भाग के जाओगे, पैदल जाओगे क्या? तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कंप्लीट पावर। यस मेरे प्यारे बच्चों, बोलते ना ताना साह, बोलते क्या बोलते हैं? ताना। ये देखो सातवां रूल बाय ओल्ड मैन, यार बुजुर्ग लोगों द्वारा चलाया हुआ शासन, जिसके पास बाल नहीं, जैसे गांधी जी द्वारा चलाया हुआ शासन, तो क्या बोलते? जीरोटोक्रेसी, यार जीरो, आपको पता है जो बुड्ढे लोग होते हैं ना बड़ा सठिया जाते हैं, आप कुछ भी बोलो ना एकदम सठिया जाते हैं, जीरो, ऐसा लगता है उनकी बुद्धि जीरो हो गई है मेरे प्यार बच्चे, लेकिन कोई भी काम ना बिल्कुल जीरो से शुरू करते ही, तो आराम से करते, जीरो ओल्ड मैन याद रखना। और लास्ट मेरे प्यार बच्चों पीढ़ी की पाद पीढ़ी सक्सेसिव, कह रहे हैं सक्सेशन ऑफ रूलर्स belonging to one's family, मतलब इसको बोला जाता है राजवंश, यानी इसको बोलते हैं डायनेस्टी। अभी कैसे याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये डायनेस्टी कैसे याद रखोगे यार? ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, डाइन का नाम सुना है ना? डाइन कौन बनता? मरता है इंसान तब डाइन बनता है, फिर डाइन के बाद फिर इंसान, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो मतलब राजवंश चलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इस तरह दिमाग में रखना है। तो मैंने आप लोगों को आठ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करा दिया, क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब और सुनिए एक लोगों को शेयर कर दीजिएगा बजाय हमें थैंक यू बोलने के। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई कहता है कि आपका जॉब नहीं लगेगा, उससे बोल दीजिए, सीधे बोलिए कि फैसला किया उससे पत्थर की लकीर बना लेंगे, फैसला किया उससे पत्थर की लकीर बना लेंगे, और ऊपर वाले की दी हुई किस्मत पसंद ना हो इतना मेहनत करेंगे, अपने हाथों अपनी तकदीर बना लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद। यस yes.